हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल रेनू ब्यूटी पार्लर में। आज हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम आजकल जो एडवांस हेयर स्टाइल वगैरह चले हुए हैं, तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले हमें बालों को टेक्सचराइज़ करना पड़ता है, यानी कि बालों को पहले सेट करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बालों में ब्लो ड्रायर करना है। एक फ्लैट ब्रश लेकर आप फ्लैट ब्रश की मदद से पहले बालों को टेंगल फ्री करेंगे, यानी कि जो बाल उलझे हुए हैं उन्हें सुलझाएंगे, और उसके बाद उसमें हम ब्लो ड्रायर करेंगे। और इस तरीके से हमें ब्लो ड्रायर करना है। ये देखिए, सबसे पहले हमें बालों में ब्लो ड्रायर करना है। उसके बाद ये मैंने हेयर स्प्रे लिया है, आप कोई सा भी हेयर स्प्रे ले सकते हैं, यानी कि नोवा का, टाफ्ट का, किसी का भी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा बालों में स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद हमें थोड़ा सा हाथ में सीरम लेना है और इस तरीके से बालों में मिक्स करना है। अब हमें बालों में ईयर टू ईयर पार्टीशन करना है। ये देखिए, इस तरीके से अब हमने क्लिप लगा दी है एक साइड, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी क्लिप लगा देंगे। ये हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लिया है। अब हमें क्रिम्पिंग करनी है। ये हमने आइकॉनिक की क्रिम्पिंग ली है, और ये हमारी देखिए 0 नंबर की क्रिम्पिंग बालों में करते हैं, क्योंकि आजकल जैसे हेयर स्टाइल वगैरह चले हुए हैं, तो उसके लिए आप 0 नंबर की क्रिम्पिंग लें। इसके ब्लेड जो हैं बारीक होते हैं। इसी तरीके से ये मेरे पास आइकॉनिक की मिनी क्रिम्पिंग है, और ये 1100 की आती है जब मैंने ली थी। और इसी तरीके से ये हमारी आइकॉनिक की थोड़ी बड़ी मशीन है, लेकिन इसका जो नंबर है 0 नंबर है। और इससे आप क्रिम्पिंग करें, इससे जो आजकल जो एडवांस हेयर स्टाइल चल रहे हैं, तो उसके लिए ये वाली क्रिम्पिंग है, आप इससे क्रिम्पिंग करें। तो सबसे पहले हमने ईयर टू ईयर जो हमने बाल निकाले थे उसमें हम इस तरीके से क्रिम्पिंग करेंगे, और इससे जो है बालों में जैसे आजकल लाइनें वगैरह बनती हैं, तो वो अच्छी तरीके से बन जाती हैं और बालों में अच्छा बाउंस आता है। और इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े से बाल लेकर सबसे पहले हमें बालों को तैयार करना है। अभी इस वीडियो में मैं फ्रंट के बाल ही ले रही हूँ, यानी कि ईयर टू ईयर बालों में ही क्रिम्पिंग करके एक पफ बना के दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हमने थोड़े थोड़े से बाल लेकर, ये देखिए काफ़ी बारीक क्रिम्पिंग है ये हमारी, और इस तरीके से हमने देखिए एक साइड के बाल कर लिए हैं। और थोड़े थोड़े से बाल लेकर, क्योंकि हमने इसमें स्प्रे और सीरम वगैरह लगाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी क्रिम्पिंग हो जाती है और बालों को अच्छा बाउंस भी मिल जाता है। और इसी तरीके से अब हम, आप देख रहे हैं ये हमारे एक साइड के बालों में क्रिम्पिंग हो गई है, क्योंकि कई बार हम ज़्यादा मोटी क्रिम्पिंग करते हैं तो उसमें हेयर स्टाइल वगैरह सही से नहीं बन पाते हैं। तो इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमने बालों में क्रिम्पिंग कर ली है। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए इस तरीके से क्रिम्पिंग हो गई है, और ये हमारे प्लेन बाल हैं। और इसी तरीके से आप सारे बालों में पहले क्रिम्पिंग करके फिर आप हेयर स्टाइल बनाएंगे, तो इससे अच्छे हेयर स्टाइल बन जाएंगे। अब हमने देखिए ईयर टू ईयर बालों में क्रिम्पिंग करी है अभी, और जो बैक साइड के बाल हैं उसकी हमने पोनी बना ली है। अब हम जो हमने बालों में क्रिम्पिंग करी थी उन बालों में आपको फ्रंट का पफ बना के दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमने, ये देखिए, बॉक्स सेक्शन निकाल लिया है, यानी कि आईब्रो के बीच से हमने एक साइड से बाल निकाले हैं, ये देखिए, और इसी तरीके से दूसरी आईब्रोज के ऊपर की तरफ से हमने थोड़े से यहाँ से बाल निकाल कर, ये हमारा बॉक्स एरिया है। फिर हम देखेंगे कि कौन सी साइड हमें हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, हम राइट साइड बाल लें या लेफ्ट साइड,
ये आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा हेयर स्टाइल, कौन सा साइड उसके ऊपर अच्छा लगेगा। अब हमने बॉक्स सेक्शन निकाल लिया है, अब हम इसमें पफ बनाना बता रहे हैं। जो फ्रंट में पफ बनता है, हमने थोड़े से सीधे बाल पकड़े हैं और हल्की सी रूट पर कॉम करी है, बैक कॉम, और हल्का सा स्प्रे किया है और इसको हम छोड़ देंगे। और फिर इसी तरीके से थोड़े से बाल फिर निकालेंगे और हल्के हल्के हाथ से रूट पर बैक कॉमिंग करेंगे। ये हमने स्प्रे डाल दिया है। और आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा पफ बन के तैयार होगा। और इस तरीके से थोड़े थोड़े से बाल लेकर हम ये देखिए इस तरीके से स्प्रे करते जाएंगे और हल्की सी बैक कॉमिंग से हम पफ बनाएंगे। ये हमारे देखिए इधर के बाल हो गए हैं फ्रंट से। अब हम साइड से भी इसी तरीके से थोड़े थोड़े से बाल लेंगे और उसमें बैक कॉमिंग करेंगे। और अगर आपकी क्रिम्पिंग अच्छी हुई होगी तो आपको स्प्रे भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इस तरीके से देखिए, इसी तरीके से हमने एक साइड के बालों में बैक कॉमिंग कर ली है और इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी। बैक कॉमिंग कर लेंगे और अच्छी तरीके से बालों को फिनिशिंग लुक देते हुए अच्छी तरीके से फ्रंट से हम इस तरीके से कॉम करेंगे। और इस तरीके से आप हाथों में पकड़कर बालों को जितना भी हैवी पफ बनाना चाहते हैं तो आप उतना उसको उठा सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से बिना स्टफिंग वगैरह के पफ काफ़ी आराम से बन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप जितना भी उठाना चाहते हैं फ्रंट से, इस तरीके से आप टाइट करके आप दोनों साइड में बोब पिनों से सेट कर देंगे। कम से कम हमें दो दो पिनें लगानी हैं दोनों साइड में क्रॉस करके। और ये देखिए आप पफ कितना सुंदर बन गया है। आप ये ब्राइडल वगैरह के बना सकते हैं, पार्टी वेयर में किसी के बना सकते हैं। और इसके आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसी हेयर स्टाइल में मैं लाइनें किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो बताऊँगी और एक सिंपल और इजी तरीके से हेयर स्टाइल बनाना सिखाऊँगी, जैसे कि आजकल कस्टमर वगैरह पसंद करते हैं। और क्योंकि अगर मैं इसमें बनाती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।